तो हेलो फ्रेंड्स, अदर सोर्स वाले चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों, जब आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट अगर किसी से रिसीव करते हैं, तो आपने पढ़ा था कि वहाँ पर हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल फ्री में ले रहे हैं तो हमें पूरी स्टाम्प वैल्यू को बेस बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बिल्कुल फ्री में नहीं ले रहे हैं, हमें कुछ कंसिडरेशन वहाँ पर देना पड़ा है, राइट। जैसे आपने कुछ पैसा वहाँ पर दिया था, और वो जो पैसा दिया था दोस्तों, वो आपने बहुत कम दिया था, तो जो डिफरेंस अमाउंट है, जो स्टाम्प वैल्यू और जितना पैसा आपने दिया है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसे यहाँ पर बेस बनाना पड़ता है। तो एक बार इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको एज ए गिफ्ट मिलती है, तो वहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। और दोस्तों, अमेंडमेंट क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आपने पढ़ा था कि जब इन एडिक्वेट होता है, देखो जब विदाउट कंसीडरेशन है, आपको बिल्कुल फ्री में मिला है, तो वहां पर आपको सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो कोई इशू ही नहीं है। वहां पर तो सीधा सीधा लॉ के अंदर है कि भाई आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बना लो। और ये जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है दोस्तों, ये जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर ये 50,000 रुपए से ज्यादा है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देखते हो, जब आप लैंड और बिल्डिंग के लिए देखते हो, तो ये सारा काम आपको यहाँ पर इंडिविजुअली करना पड़ता है। ये जो सारा काम है ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पर इंडिविजुअली करना पड़ता है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाना पड़ेगा। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा 50,000 से ज्यादा होगा, अगर ये हमारा 50,000 से ज्यादा होगा ना दोस्तों, तो जैसे सपोज करो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पर 5 लाख है, तो 50,000 से ज्यादा है, तो ये पूरा 5 लाख रुपया रेसिपिएंट की इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिपिएंट की इनकम माना जाएगा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, वो हुआ है दोस्तों यहाँ पर इन एडिक्वेट कंसीडरेशन वाले पॉइंट में। ये जो इन एडिक्वेट कंसीडरेशन वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर दोस्तों चेंज हुआ है। यहां पर आपको क्या करना है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाना है, जो भी आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, और कंसीडरेशन को बेस बनाना है। अच्छा, जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन होता है, तो वहां पर अगर कंसीडरेशन जो पे किया गया है, वो कंसीडरेशन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तभी तो गिफ्ट बनेगा। अगर कंसीडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो हम उसको गिफ्ट मानेंगे ही नहीं, तब तो भाई लोगों वो गिफ्ट ही नहीं है। गिफ्ट कब है, जब कंसीडरेशन किससे कम हो, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो। तो दोस्तों, आपको यहां पर निकालना पड़ता है डिफरेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर डिफरेंस को निकालना पड़ता है। जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जो डिफरेंस है कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच का, जो भी डिफरेंस है दोस्तों, अगर वो डिफरेंस ज्यादा है, अगर वो डिफरेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स, किससे ज्यादा है वो डिफरेंस, वो डिफरेंस आपका 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन में से जो भी हाइयर आएगा, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन में से जो भी ज्यादा होगा, अगर उससे ज्यादा डिफरेंस है, सपोज करो 5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है और आपको प्रॉपर्टी मिल गई 1 लाख रुपए में, तो इसका मतलब डिफरेंस हो गया हमारा 4 लाख। डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो भाई साहब, हम इस डिफरेंस को यहां पर बेस बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% होता है भाई साहब 10,000। तो 10 और 50 में से ज्यादा कौन, 50 ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, 4 लाख रुपए किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये 4 लाख रुपए हमारा यहां पर रेसिपिएंट का इनकम बनना चाहिए। ये जो 4 लाख रुपया है दोस्तों, ये रेसिपिएंट का इनकम बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर लॉ में चेंज पता है क्या हुआ है। अच्छा, इनकम कहाँ बनेगा ये आप जानते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बनेगा। अब चेंज क्या हुआ है दोस्तों, ये जो 10% आप पढ़ते थे ना,
इस 10% की जगह आपको यहां पर रेट 20% लगाना है. दिस इज द चेंज ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. जब जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलेगी दोस्तों, जब जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलेगी, वहां पर आपको कंसीडरेशन का जो आप 10% करते थे वो आपको 20% करना है, और कंपेयर वही 50,000 से करना है, विच एवर इज हाइयर. तो 10% की जगह रेट यहां पर 20%, मतलब 20% कर दी गई है. अच्छा दोस्तों, ये जो 10% वाली रेट होती है ना, ये जो 10% वाली रेट होती है, इसकी जगह जो 20% लॉ में चेंज आया है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब फॉलोइंग कंडीशंस क्या होंगी सेटिस्फाई. अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो दोस्तों, अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर रेट 20 की जगह 10 ही लगने वाली है. यहां पर जो रेट है दोस्तों वो 20 की जगह 10 ही लगने वाली है. तो 20 कब लगेगी, जब फॉलोइंग कंडीशंस क्या होंगी सेटिस्फाई होंगी. जब आप फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे तभी दोस्तों ये काम देगा, अदरवाइज ये काम नहीं देगा. अच्छा कंडीशन क्या है मैं बता दूं. पहला कंडीशन है कि जो रेजिडेंशियल यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ चेंज इन केस ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट व्हिच इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12/11/2020 एंड 30th June 2021. इस पीरियड में रेजिडेंशियल यूनिट क्या हुई हो, ट्रांसफर हुई हो. अच्छा दिस इज अ मैटर ऑफ ओनली रेजिडेंशियल यूनिट. बाकी कोई मूवेबल होगी तो वहां पर हम 20% नहीं देखेंगे, वहां हम 10 ही देखेंगे. तो रेजिडेंशियल यूनिट का ट्रांसफर होना जरूरी है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के बदले में. और दोस्तों वो जो ट्रांसफर हुआ है ना, वो इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में हुआ हो, 12/11/2020 से लेकर और 30 June 2021 तक हुआ हो ट्रांसफर. दूसरी बात, द ट्रांसफर इज बाई वे ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट. सरकार बोलती है दोस्तों कि जो रेजिडेंशियल यूनिट आपको गिफ्ट में मिली है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट. इसका मतलब इससे पहले आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल यूनिट नहीं होनी चाहिए, कोई भी दूसरा रेजिडेंशियल यूनिट आपके पास नहीं होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कंसीडरेशन पेड और पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़. जो रेजिडेंशियल यूनिट आप यहां पर खरीद रहे हो कम पैसे में, उसके लिए जो आपने पैसा दिया है, पैसा वो आपने 2 करोड़ से कम दिया हो, 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ के बराबर. अगर इन 3 में से कोई भी कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होता है दोस्तों, तो फिर आप 10% ही लगाओगे. अदरवाइज अगर ये ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दोस्तों, अगर ये सभी 3 कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर आपको 20% देखना पड़ेगा इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब आप अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हो गिफ्ट वाले पॉइंट को, तो आपको 20 लगाना है. रेजिडेंशियल यूनिट शुड बी द स्टॉक. एक बात और बता दूं, जो बंदा आपको रेजिडेंशियल यूनिट दे रहा है, ये उसका स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए सेलर का. अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो भी ये 20% नहीं लगेगा. ये 20% तभी लगेगा जब रेजिडेंशियल यूनिट सामने वाले का क्या होना चाहिए, भाई स्टॉक होना चाहिए, तभी ये हायर लिमिट लगेगा, अदरवाइज 20% नहीं लगेगा. इट शुड बी ए कैपिटल असेट इन द हैंड्स ऑफ द बायर, और बायर का वो कैपिटल असेट होना चाहिए. सेलर के लिए वो रेजिडेंशियल यूनिट क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, और बायर के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए. तब आप ये 20% लगाओगे अंडर सेक्शन 56 अंडर द हेड अदर सोर्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज माय डियर फ्रेंड. इसको आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा.
आपका जो कमिंग 2022 का एग्जाम है उसमें अदर सोर्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। और दोस्तों CA CA CMA स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट टैक्स का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर देखिए, हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फ्री रिवीजन वीडियोस, फ्री रिवीजन क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, सब कुछ फ्री मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन बैंक फ्री मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या प्ले स्टोर पर जाकर अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको ये सारा फ्री कॉन्टेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत सारा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दबा दो भाई बटन, बेल आइकन हिट कर दो, तो आपको जितना भी नया इन्फॉर्मेशन है वो सारा मिलने वाला है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो ताकि मैं और बनाऊँ, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।